हेलो गाइस, नमस्कार। एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं फिल्म जवान। लेकिन उससे पहले फिल्मी राम में आप सभी का स्वागत है। खैर, शाहरुख खान हाथों में बंदूक लिए नजर आए। तक के सबसे अलग अंदाज में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैंस के लिए एक दरअसल उस समय से शाहरुख खान को सिल्वर स्क्रीन पर न देख पाने की वजह से शाहरुख खान के फैंस परेशान थे। मगर उनके नई फिल्म जवान का टीजर आउट हो चुका है। टीजर को देख के लग रहा है कि शाहरुख खान की यह फिल्म एक अलग विषय पर होने वाली है। हालांकि इस फिल्म का नाम जवान है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्मी या सोल्जर्स पर होगी। इस फिल्म के टीजर में शाहरुख खान के हाथ में बंदूक नजर आ रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक्शन भी होगा। शाहरुख खान का लुक और फिल्म का टीजर बहुत ही अलग है। तो इसमें शाहरुख खान का जो लुक सामने आया है वो उनकी अब तक की आई फिल्मों में से बहुत ही अलग है। टीजर में शाहरुख खान की आधी ही शक्ल नजर आ रही है। शाहरुख खान के आधे चेहरे को पट्टियों से कवर किया गया है। टीजर में शाहरुख खान घायल नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके हाथों में बंदूक और उनके आंखों में किसी की तलाश नजर आ रही है। टीजर में देख के यह लग रहा है कि शाहरुख खान इस फिल्म में किसी मिशन पे हैं। फिल्म के डायरेक्टर मशहूर राजा रानी, हेरी मार्शल और बिगिल जैसी फिल्म बनाने वाले मशहूर साउथ इंडियन डायरेक्टर एटली यह फिल्म बना रहे हैं। वे एटली कुमार कई ब्लैकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। इस वेब सीरीज में शाहरुख खान नैन तारा और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में होंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एटली कुमार ने। शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है और ये फिल्म पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। एटली कुमार शाहरुख खान के साथ पहली बार काम कर रहे हैं और यह फिल्म बहुत ही अलग प्रकार की बन रही है। इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और इसका झलक टीजर में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। फिल्म को प्रोड्यूस शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान प्रोड्यूस कर रही हैं। यह फिल्म रेड चिल्ली द्वारा ही बनाई जा रही है और इस फिल्म की कहानी में जवान में हर उम्र के आदमी के लिए कुछ न कुछ है। इसमें एक्शन के अलावा ड्रामा, इमोशंस और विजुअल ट्रीट भी है, इसलिए यह फिल्म देखकर काफी मजा आने वाला है। क्योंकि इस फिल्म का नाम ही जवान है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म की कहानी बहुत ही धासु और दमदार होने वाली है। कुछ इस फिल्म का रिलीज डेट है 2 जून 2023। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू बहुत ही आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।